हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ये दूसरी वीडियो है एंड पहली वीडियो मैंने बनाई है एक डेट फ्री स्टॉक के बारे में आपको बताया, जो कि काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल्स है उसके, तो जाके उसे देख सकते हैं आप। और इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, क्योंकि उसकी जो कंपनी है वो कंपनी अपने आप अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है। ओके, आपको 10 का फेस वैल्यू 2 में होते हुए, 2 रुपये का होते हुए दिखेगा, तो उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। ओके, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने वाले हैं, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको शेयर बाज़ार से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। तो आइए शेयर की तरफ चलते हैं। पहले बता देना चाहता हूँ, शेयर के आपको रिटर्न्स दिखा देता हूँ। वन डे का पॉजिटिव रिटर्न्स लगभग 6% की यहाँ पर जम्प देखी गई है, वन वीक में पॉजिटिव, 3 मंथ्स में पॉजिटिव, 6 मंथ में लगभग 80% के रिटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं। और 10 ईयर्स में अगर मैक्सिमम, जैसे कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 10 ईयर्स में लगभग 300% के रिटर्न आपको, 298.15% के रिटर्न आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। तो लॉन्ग कंपनी कैसी है आगे चल के और देखते हैं इसके बारे में। इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं, तो प्रमोटर्स कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग थोड़ी थोड़ी घटाते जा रहे हैं। जो अभी इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है 0.83% से घटाई है, जो 34.08 से 33.25% की हिस्सेदारी अभी प्रमोटर्स की है, और कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी कोई भी किसी भी कोई भी शेयर होल्डिंग यहाँ पर है नहीं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी 0.74% से कम करके 2.47% की रह गई है। इंश्योरेंस कंपनी को हिस्सेदारी नहीं है। DIS की बात करें तो DIS भी अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं 0.37% से, जो अभी 1.50% की है। और नॉन इंस्टीट्यूशंस जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनकी हिस्सेदारी देखी जाए तो उन्होंने कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं, 1.95% की हिस्सेदारी लगभग 62.78% की यहाँ पर रह गई है। एक बार बैलेंस शीट की तरफ देख लेते हैं, तो बैलेंस शीट आप अगर देखेंगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लीजिए, कंटिन्यूसली रिजर्व्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। नो डाउट 5 साल से 300 से लेके फिर 317, फिर 347, फिर 350, और अभी लगभग 398.38, कह सकते हैं 400 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर रिजर्व्स कंपनी के पास है। बोरोइंग की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली घटाते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो 19 और 20 करोड़ के लगभग थी, जो अभी लगभग 3.75 करोड़ रह गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कर्ज को कम करना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात की जाए, जहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो कंटिन्यूसली घटा रहे थे, बट यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग उनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी लगभग 157.13 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पर कंपनीज़ के दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी पिछले साल जहाँ पर 27.77 करोड़ रुपीज़ थे, अभी लगभग 5.79 करोड़ रुपीज़ ही रह गए हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इनके पास इतना ही है। तो बैलेंस शीट की बात की जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव तो नज़र नहीं आ रही, बट ठीक ठाक इनकी बैलेंस शीट हमें दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं शेयर कौन सा शेयर है। ओके, एंड शेयर से रिलेटेड वो कौन सी न्यूज़ थी जो है जिसके रीज़न से शेयर में उछाल भी देखा गया है, और क्या स्प्लिट है। तो पहले हम शेयर की बात कर लेते हैं। तो इस शेयर्स का नाम है, इस स्टॉक का नाम है एशियन ग्रैनिटो इंडिया लिमिटेड सेरामिक, और ये जिसमें काम करती है, आपने टैक्स आपने देखा होगा जो टाइल्स लगी रहती है उसमें ये काम करती है, टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वॉशरूम टाइल्स। ओके, इसमें ये कंपनी काम करती है और इसमें लीडिंग भी है ये कंपनी। आज के दिन देखिए पॉजिटिव रिजल्ट, 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ओके, गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है, 1 मंथ में भी यहाँ पर यहाँ गिरावट नज़र आ रही है, 6 मंथ में ये शेयर देखिए काफ़ी अच्छा, इसने अच्छे खासे रिटर्न अगर कहे हम तो, अगर हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्राई करते हैं तो लगभग 168% के रिटर्न कह सकते हैं कि इस कंपनी ने हमें कमा के दिया विद इन 6 to 7 मंथ्स में। और 1 ईयर का परफॉर्मेंस देख लीजिए। ओके, जिस रेट पे चल रही थी गिरावट फिर उठी है, तो ये कहेंगे कि ठीक ठाक यहाँ पर इस कंपनी ने किया है। बट अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, पॉजिटिव में ज़रूर दिखाई दे रहा है हमें, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग ये शेयर आपको 575-580 के लगभग आपको दिखाई दे रहा था, और अभी इसके बाद जब शेयर में गिरावट हुई है 2017 से, तो देखिए यहाँ पर गिरावट होती गई है।
लगभग 2 साल तक ये एक साल 1.5 साल तक ये गिरावट रही है, और इसके बाद कंपनी भी इसी कंसोलिडेशन फेज पे अभी चल रही है। तो इसकी तरफ हमें ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से एक कंपनी गिरी है, और कोई भी स्प्लिट या कोई भी बोनस वो पहले दिया नहीं है, जिसकी वजह से ये गिरावट हुई हो। ओके, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर शेयर दिखाई दे रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा इसी वजह से। बट कंपनी पॉजिटिव में दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ही दे रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ही है कि कंपनी ने 10 ईयर्स में 300% के, और पिछले अगर 10 ईयर्स से पहले की बात करें 5 साल में भी केवल 65% के रिटर्न है, और 4 साल में केवल 0.29% के, और 3 ईयर्स में तो नेगेटिव रिटर्न है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। एज वेल एज अगर हम इसके लो की बात की जाए, तो 19 मई को 109 रुपये का शेयर था, और अभी 21 सितंबर 2020 को 314 रुपये का ये शेयर आ गया था, और 20% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाई गई है इस कंपनी में। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें, कंपनी डिविडेंड और डिविडेंड कंटिन्यूसली कंपनी देती आ रही है। 2016 में 50 पैसे, 17 में 80 पैसे, 2018 में 1.30 रुपीज़ का, और इसके अलावा 2019 में बात की जाए तो कंपनी ने 60 पैसे का यहाँ पर हमें डिविडेंड दिया है। ओके, जो कि हमारा घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी पिछले 1-2 साल से कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, और कोई शेयर प्लेस है नहीं। अब न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि कंपनी की न्यूज़ क्या थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द बोर्ड ऑफ एशियन ग्रैनिटो इंडिया, ओके, जो कंपनी का नाम है, एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 23 अक्टूबर 2020, जो आज के दिन ही, ओके, उन्होंने अप्रूव किया है। क्या अप्रूव किया है? कि सब डिवीजन ऑफ द इक्विटी शेयर्स फ्रॉम 10 each 2 rupees 2 each। तो मतलब 10 रुपये का जो इसकी फेस वैल्यू है, ओके, वो स्प्लिट होके 2 रुपीज़ का हो जाएगा। मतलब जिसके पास मतलब आपके शेयर 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतना आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको इसके 5 शेयर मिल जाएंगे, बट जो वैल्यू होगी वो ही भी इस उसी हिसाब के शेयर के प्राइस के हिसाब से 5 से डिवाइड होके वो आपको मिलेगी। तो शेयर में अगर अगर फ्यूचर में आपको शेयर में का प्राइस कम होते हुए नज़र आए, ओके, तो आप अपनी क्वांटिटी की तरफ नज़र डालिएगा, तो आपकी क्वांटिटी शेयर्स की बढ़ती हुई नज़र आएगी, बट यहाँ पर शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो क्योंकि ये कंपनी अपना जो स्टॉक्स है वो स्प्लिट कर रही है, 10 रुपीज़ का जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये में कन्वर्ट कर रही है। एज वेल एज बात की जाए तो QIP के थ्रू कंपनी अपना लगभग 400 करोड़ रुपये का फंड रेज करने की बातें कर रही है। तो लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है। ओके, कंपनी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगी, बट यहाँ पर न्यूज़ थी, कंपनी शेयर अपना स्प्लिट कर रही है शेयर्स को, तो इसकी तरफ नज़र बना सकते हैं। ओके, फ्यूचर में अगर कुछ अच्छा खासा इस कंपनी में हो जाता है तो हम देखेंगे, बट हम वॉच करते रहेंगे इस कंपनी को। तो केवल स्प्लिट के रीज़न से एंट्री करने की आई डोंट थिंक सो कोई ज़रूरत है, क्योंकि प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग कम भी हो जाएगा इसके। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। बैलेंस शीट मुझे कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगी, और काम टाइल्स से रिलेटेड करती है और उसमें लीडिंग है। तो इसके रिगार्डिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कर लेना, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एज वेल एज आप इस कंपनी की तरफ नज़र रखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।